ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगता है कि उद्धव ठाकरे के पूरे परिवार से एक एक कर बदला निकाल रहे हैं। तभी तो प्रदेश की सत्ता हाथ में आते ही शिंदे सरकार ठाकरे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। सत्ता में आने के बाद से शिंदे सरकार की ठाकरे परिवार के खिलाफ यह तीसरी जाँच है। ताजा मामले में सीएम शिंदे अमरावती के व्यापारी उमेश कोले हत्याकांड में उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के फोन कॉल की जांच कराने जा रही है। मौजूदा सरकार का आरोप है कि उद्धव सरकार ने उमेश कोले हत्याकांड को दबाने की कोशिश की थी। हाल में जब कैबिनेट मंत्री शुभराज देसाई ने महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की तो विपक्ष ने विधानसभा की बैठक का बहिष्कार किया था। बता दे, हाल ही में इससे पहले शिंदे सरकार ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी सेक्रेटरी की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की भूमिका पर संदेह जताते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, ताजा मामले में आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि उमेश कोले हत्याकांड की चोरी के नजरिए से जांच करे। सरकार जाने के बाद चहुं ओर से संकटों से घिरे ठाकरे परिवार और शिवसेना की राजनीति में केवल पार्टी के राज्यसभा सांसद बाला साहब ठाकरे के सबसे वफादार रहे। संजय रावत ही वन मैन आर्मी बनकर शिंदे सरकार का सामना कर रहे हैं। हालांकि शिंदे सरकार ने रावत को भी जेल की हवा खिलवा चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून 2022 की रात मेडिकल शॉप चलाने वाले उमेश कोले की बीच सड़क पर गला काटकर हत्या कर दी गई थी। 54 साल के उमेश की न किसी से दुश्मनी थी न रंजिश। याद दिला दे कि ये वो वक्त था जब बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बवाल चल रहा था। ऐसे में नुपुर शर्मा और हिंदुत्व के समर्थन में पोस्ट करने पर भरे चौराहे पर कोले की हत्या कर दी गई थी। छानबीन में सामने आया था कि उमेश कोले ने भी नुपुर के समर्थन में दोस्तों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट सेंड कर दी थी। यहीं से तार जुड़ते गए। पुलिस ने जाँच शुरू की तो एटीएस से होते हुए एनआईए के पास आई। एनआईए ने 16 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। जांच में सामने आया कि उमेश के 16 साल पुराने डॉक्टर दोस्त यूसुफ ने ही 10 और लोगों के साथ मिलकर इस कत्ल की साजिश रची थी। अमरावती के विधायक रवि राणा ने इस पूरे मामले को उठाते हुए एसआईटी जांच कराने की मांग की है। शिंदे सरकार में मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि राज्य के खुफिया विभाग की रिपोर्ट और उद्धव ठाकरे के फोन कॉल की जाँच के बाद उचित फैसला लिया जाएगा। इस मामले में एनआईए ने 16 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट के मुताबिक सिर्फ एक पोस्ट का बदला लेने के लिए उमेश की हत्या की गई थी। उद्धव सरकार पर बीजेपी द्वारा आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन सरकार ने इस मामले की जांच अलग तरीके से कराने का पुलिस पर दबाव डाला था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो महाराष्ट्र, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।